गुजरात की फेमस फाफड़ा रेसिपी अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका आपको देने जा रही हूँ। ट्रेडिशनली बेसन की डो को हाथ के निचले हिस्से से दबा के उसे फैलाया जाता है और चाकू से इसकी स्ट्रिप को निकाला जाता है, पर जब प्रैक्टिस नहीं होती है, जो पहली बार बना रहे हैं उनसे ये परफेक्टली बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो अगर वो भी पहली बार घर पर बनाना चाहते हैं इस रेसिपी को, तो ट्रेडिशनली तरीका ना फॉलो करते हुए एक आसान सा तरीका मैं बताने जा रही हूँ, जिससे आप फाफड़ा घर पर बना सकते हैं। टेक्सचर और स्वाद में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इसे बेसन से बनाया जाता है, तो हाफ कप बेसन लिया है, उसके हिसाब से इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून अजवाइन हथेली से रगड़ के डालेंगे और यहाँ पे हाफ टी स्पून के बराबर काली मिर्च पाउडर है और दो चुटकी हींग डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हाफ कप बेसन के साथ कुकिंग ऑयल डालेंगे, 2 चुटकी हल्दी डालेंगे हल्का कलर लाने के लिए और स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। यहाँ पे खाने वाला मीठा सोडा है, जिसे हाफ कप बेसन के साथ सिर्फ 1 पिंच ही डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ कप बेसन के साथ डो बनाने के लिए 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून ही पानी लगेगा, तो बिल्कुल चम्मच से ही पानी डालेंगे। थोड़ा करके इकट्ठा करके इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे। जब बेसन का डो अच्छे से इकट्ठा हो जाए तो इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर ऑयल के साथ ऊपर से ग्रीस करेंगे। तो एक बार हैंड को वॉश कर लेंगे और वापस इसे मस लेंगे तो आपके हाथों में ये चिपकेगा नहीं। तो कुछ आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट में रख सकते हैं और इसका फिर फाफड़ा बनाना शुरू करेंगे। तो 1/2 कप बेसन के साथ मैंने 2 पेड़े अलग कर लिए हैं। 1 पेड़ा लिया है जिससे आप थोड़ा सूखा आटा लगाते हुए, गेहूं का आटा लगा सकते हैं सूखा, और इस तरह से चकले पे बेलन का हल्का हल्का दबाव देते हुए एक पतली रोटी के बराबर बेल लेंगे। तो पतला रखेंगे इसको और अच्छे से बेल लेंगे। तो बेलने में बहुत अच्छे से आएगा, अगर आपको रोटी बेलनी आती है तो आप इसे भी अच्छे से बेल लेंगे। और बेलने के बाद इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। तो साइड से मैंने इसके हल्के हल्के स्ट्रिप्स निकाल दिए ताकि हमें एक चौकोर शेप मिल जाए, स्क्वायर शेप मिल जाए। और फिर इसकी चौड़ी स्ट्रिप्स, मतलब 1 इंच के बराबर चौड़ी स्ट्रिप्स चाकू से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, कट कर लेंगे। इस तरह से आपको बिल्कुल फाफड़ा का शेप मिल जाएगा। तो आपको हथेली से दबा के चाकू से निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो थोड़ा सा ट्रिकी है, जो पहली बार बना रहे हैं उनसे नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं और इस तरह से फाफड़ा आप बना सकते हैं घर पर आसानी से। फ्लैट पैन लेंगे इसके लिए, क्योंकि इसकी स्ट्रिप्स लंबी होती है, तो फ्लैट पैन में अच्छे से आ जाएगा। ऑयल को मीडियम हीट रखेंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल गर्म नहीं रखेंगे, लो टू मीडियम हीट पे इसे हम फ्राई करेंगे। इसका कलर बिल्कुल डार्क नहीं होने देंगे, मीडियम हीट पे ही इसे फ्राई करेंगे। और जैसे ही ये अच्छे से फूल जाए और क्रिस्पी हो जाए और ज़्यादा कलर डार्क ना करते हुए इसे फ्राई कर लेंगे और फटाफट इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। दोनों साइड से पलट के मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है, कलर भी डार्क नहीं होने देना है। और बस इस तरह से आपको मीडियम हीट पे फ्राई करके बाहर निकाल लेना है। और बस इसी आसान तरीके से आप भी घर पर फाफड़ा बनाइए और गुजरात की ट्रेडिशनल इस फाफड़ा रेसिपी को घर पर एंजॉय करिए। इसे ग्रीन फ्राइड चिल्ली के साथ सर्व कर सकते हैं, गुजराती कढ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, या ऐसे ही चाय कॉफ़ी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।